बंगाल सोलो की ना फिश और चिकन बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो और यहाँ पे अंडे के पकौड़े भी मिलेंगे आपको। ये आगे भाई मसाला और ये आगे भाई ऊपर से क्रीम। हाँ तंदूरी चिकन किसी का बन चुका है, अभी देखो पूरा डाला है उसके बाद कट करा है। चिकन मलाई टिक्का है, तंदूरी चिकन है और फिश सुरमई जित एकदम मसालेदार बढ़िया जूसी। ओहो तो भाई तिलक नगर में है और तिलक नगर के अंदर कहाँ पर आए हैं भाई, पुल बंगश वाले पे। और भाई मतलब कि सबको पता है शायद कि पुल बंगश वालों की ना फिश और चिकन बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, तो और यहाँ पे अंडे के पकौड़े भी मिलेंगे आपको। अंदर चलते हैं, अंकल जी से मिलवाते हैं, दुकान कितनी पुरानी है, टाइमिंग क्या है और बनाते कैसे हैं, आ जाओ। तो ये देखो भाई साहब, ये है भाई इनका तंदूरी चिकन है भाई, आप देख सकते हो मैरिनेशन देखो कितना बढ़िया किया हुआ, और पीसेस जो से है ना वो काफ़ी बड़े वाले पीसेस हैं एकदम बढ़िया। और ये आगे भाई हमारी जो कि जिसकी वजह से ना पुल बंगश बहुत फेमस है, शॉप को जो टाइम हुआ ना वो 80 साल हो चुके हैं पुरानी दिल्ली में जब थी, यहाँ पर इनको 20 से 25 साल हो चुके हैं। जैसे अंकल जी ने बताया फिश के पीसेस देखोगे ना एकदम मोटे मोटे पीस है, और ये तंदूरी जाएगा, तंदूर है, तंदूर में जाएगा ये, और सुरमई फिश है एकदम बढ़िया वाली। और ये देखो भाई मलाई टिक्का है इनके पास, मलाई टिक्का है, अफगानी है, तंदूरी चिकन के मैरिनेट हो गए, चिकन सीख है इनके पास, तंदूरी चिकन ये हाफ डन करके रखा हुआ है, नीचे चिकन लॉलीपॉप है इनके पास, फिश फ्राई पड़ी हुई है। ये जो फिश फ्राई होती है भैया ये कौन सी होती है? सुरमई है। अच्छा ये भी सुरमई है, अच्छा अच्छा जी। और ये रहे हमारे अंकल जी जिन्होंने एक्चुअली में स्टार्ट किया है यहाँ पे काम करना, अंडे के पकौड़े पड़े हुए हैं बढ़िया से। तो एक काम करते हैं भाई, भैया एक काम करो आप टेस्ट करा दो आप, ये तो एक ये अपना सुरमई फिश लगा दो एक, और साथ में एक ये इसके लिए लगा दो तंदूरी चिकन लगा दो, एकदम बढ़िया मसालेदार। भैया ने कुछ आइटम एक्चुअली डाले हैं जो हम टेस्ट करने वाले हैं आपके सामने, चिकन मलाई टिक्का है, तंदूरी चिकन है और फिश सुरमई, जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। भैया शॉप का टाइमिंग क्या होते हैं? शाम को 5:30 से रात को 11:00। और 7 डेज ओपन है? ट्यूजडे ऑफ है। स्विगी जोमेटो है? नहीं है, मतलब यहीं आना पड़ेगा आपको खाने के लिए से, और टाइम बता दिए, फटाफट आ जाओ ट्राई करो, हम इसको बनवाते हैं और फिर आपको टेस्ट करवाते हैं। भाई ये जा रहे हैं किसी के लिए अंडे, अंडे के पकोड़े। अंकल ये अंडे का पकोड़ा कितने का था? अच्छा अच्छा प्राइस और दस देंगे भैया, बताएंगे प्राइस क्या है। आप देख सकते हो भाई बढ़िया सा मसाला डाल के ना, ये देखो हाँ हाँ भाई, सर्दियाँ हैं और सर्दियों में डिमांड बहुत रहती है। ये देखो भाई साहब ये सुरमई फिश आ गई है किसी की, अब ये देखो इसके ऊपर मसाला वसाला डालेंगे बढ़िया से। अच्छा ये बिना मसाले वाली है, वैसे भी मसाला डलता है इसके ऊपर। अच्छा क्या बात है, ये देखो 3, 3, 6 और 1 7 पीस है। अच्छा ये आ गया भाई चिकन मलाई टिक्का, अब इसके ऊपर मसाले क्रीम सब डाला जाएगा। ये देखो भाई साहब मलाई टिक्का गर्मा गर्म, ये आ गया भाई मसाला और ये आ गया भाई ऊपर से क्रीम। सिंपल एंड बेस्ट चीज़ ऐसी कि एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। ये थोड़ा सा बटर आ गया, वाह भाई वाह। ये देखो भाई ये तंदूरी चिकन का शॉट है, तंदूरी चिकन किसी का बन चुका है, अभी देखो पूरा डाला है उसके बाद कट करा है और पूरा पक चुका है बढ़िया से मसालेदार। ये किसी की पैकिंग जा रही है, हमने ऑर्डर कर दिया टेबल में लग चुका है, फटाफट आ जाओ टेस्ट कराते हैं। तो भाई ये देखो अंडे के पकौड़े आ चुके हैं, सुरमई फिश आ गई है जिसके लिए एक्चुअली में पुल बंगश आए हैं तिलक नगर। ये देखो हाँ 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 क्या बात है भाई, टैग करो उस बंदे को जो सर्दियों में निकलता है अंडे खाने के लिए और फिश खाने के लिए। ये लो भाई अंडे के ऊपर मैं पहली बार नींबू डाल रहा हूँ, बढ़िया। ये आ गया चिकन मलाई टिक्का, सैलड है सब आ गया, चल भी दीपन शुरू हो जा। अब मैं दिखाता हूँ आपको पहले फिश का टेक्सचर अंदर से, ये तोड़िए ज़रा टेक्सचर दिखा, वाइट है एकदम एकदम फ्रेश है बढ़िया, चटनी में लगेगी और ये जाएगी सीधा मेरे पेट में। देखो कई फिश में ना स्मेल होती है बड़ी गंदी, इसमें नहीं आती, और एक बनाने का तरीका भी होता है। इस सीज़न की पहली फिश खाई है और ट्रस्ट में भाई मज़ा आ गया। ये देख
भाई साहब नींबू डाल के मसाला डाल के और इनकी चटनी बहुत कमाल की चटनी है। हाँ चटनी ज़बरदस्त है। ये देखो भाई अंडे का पकौड़ा ट्राई कर। ये जो बैटर है ना बाहर उसका मैरिनेशन बहुत अच्छा है, बाकी अंडे का टेस्ट तो वही है जो होता है। ओ देखो भाई ये है असली चीज़ तो है कि नहीं, एकदम मसालेदार बढ़िया जूसी। ओ हो ये आज मज़ा आने वाला भाई। ये देखो दीपन हो जा शुरू, चटनी लगाई एंड लुक एट दिस ब्यूटीफुल लेग, सेक्सी लेग जिसे हम कहते हैं। चेयर्स। अगर इस सर्दी में अगर आप पुल बंगल से लगन अगर नहीं आए ना तो आपने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी, सीरियसली कह रहा हूँ। फटाफट आके इसको ट्राई करो, ट्रस्ट मी वन ऑफ द बेस्ट। भाई बढ़िया लग रहा है यार, एकदम मसालेदार एकदम जूसी चिकन, काफ़ी जूसी है वरना कई जगहों ना अंदर से एकदम ड्राई होता है वो। ओके और ये देखो चिकन मलाई टिक्का। हाँ मलाई की तरह खुल रहा है ऐसा वाला है, टक टक सुन रहे हो। ये पूरी लाइन खाने पीने की है, बट पुल बंगल से एक बार अगर आ गए ना शायद आप और किसी दुकान पे नहीं जाओगे। स्नैक्स वाला मामला है, फ्राई वाला मामला है और कुछ नहीं है। और एक्चुअली में सर्दी में ना यही सब चाहिए होता किसी को भी। तो भाई ये देख सकते हो भाई काफ़ी जूसी चिकन है भाई, एकदम मज़ेदार। ओहो भाई क्वालिटी ऑफ फूड इज़ रियली अमेजिंग। काफ़ी सरप्राइजिंग था मेरे लिए कि दिल्ली में रह के हमने ये ट्राई नहीं किया। पुल बंगज दुकान का नाम है, पुल बंगज मत पहुँच जाना कि पहले गूगल पे पुल बंगज डाल रहे हो वो कहीं और ही बता देगा, आज़ाद मार्केट के पास वो नहीं। पुल बंगज दुकान का नाम है जो कि तिलक नगर जेल रोड पे ही है, यहीं पर ही है जहाँ पे सारे खाने पीने की शॉप्स आपको पता होगा। तो यहाँ पे आके इसे ट्राई करना और हमें बताना आपको कैसा लगा। एक बार ये ज़रा दिखा रुमाली रोटी के साथ, ये देखो भाई ये आएगा भाई बढ़िया सा। हम इसे खा के आपको बताते हैं पहले। चेयर्स भाई। ओहो एक बार ट्राई बनता है सुपर गुड। तो इसे हम खाते हैं भाई, इंजॉय करते हैं और चलते हैं भाई ढूंढते हैं कुछ और, कुछ बढ़िया कुछ यहाँ पे है या नहीं है वो ढूंढते हैं, इससे बेटर कुछ है क्या। चेयर्स।